सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों आप सबको पता है कि BSNL की नए प्लान्स के आने के बाद सभी कंपनी में हड़कंप मच गया है कि अब क्या नया किया जाए, क्योंकि BSNL के प्लान काफ़ी सस्ते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो आज BSNL के कुछ अफोर्डेबल सस्ते प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें BSNL किस प्लान में क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है। BSNL का एक प्लान है 107 रुपये का, जिसमें हमें 3GB डाटा देखने को मिलता है 35 दिनों के लिए, जिसमें हमें 200 मिनट की वॉइस कॉलिंग देखने को मिलती है। दोस्तों आगे 147 रुपये का प्लान है BSNL का, जिसमें हमें 10GB का इंटरनेट डाटा देखने को मिलता है 30 दिनों के लिए, इसमें हमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट प्लान आता है 153 रुपये का, जिसमें हमें 26GB डाटा देखने को मिलता है 26 दिनों के लिए, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ हमें 100 SMS प्रतिदिन मिलता है। उसके बाद एक प्लान आता है 298 रुपये का, जिसमें हमें 1GB डाटा पर डे देखने को मिलता है, जो कि है 52 दिनों के लिए। अनलिमिटेड कॉलिंग इसमें देखने को मिलती है, 100 SMS प्रतिदिन देखने को मिलता है, और 1GB पर डे खत्म होने के बाद अनलिमिटेड डाटा देखने को मिलता है, जो कि हमें 40 KBPS का देखने को मिलता है। उसके बाद एक प्लान आता है 347 रुपये का, जो हमें प्रतिदिन 2GB ऑफर करती है 54 दिनों के लिए, जिसमें हमें 100 SMS प्रतिदिन देखने को मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग इसमें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद एक प्लान आता है 1999 रुपये का, जिसमें हमें 600GB डाटा देखने को मिलता है 365 दिनों के लिए। जी दोस्तों, ये एक एनुअल प्लान है जिसे हम करा सकते हैं। इसमें हमें 100 SMS प्रतिदिन मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग हमें इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद एक एनुअल प्लान और हमें देखने को मिलता है, जो कि है 2399 रुपये का, जो कि हमें मिलता है 395 दिनों के लिए। इसमें 2GB डाटा पर डे हमें देखने को मिलता है और अनलिमिटेड डेटा देखने को मिलता है, जो कि रिड्यूस होने के बाद मिलता है 40 KBPS का। इसमें हमें 100 SMS प्रतिदिन देखने को मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग भी इसमें हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी BSNL के कुछ सस्ते और अफोर्डेबल प्लान्स। तो आपको ये प्लान्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन कौन BSNL के लिए पोर्ट करेंगे वो भी बताइएगा, और अभी करेंटली आप कौन सा सिम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।